आप कह रहे होंगे कि आज हमारे ड्रीम इलेवन टीम के कप्तान रुद्र प्रताप सिंह का है, आज हमारे सीनियर कप्तान हमारे साथ हैं मुंबई से संजय मांजरेकर। संजय भाई के पास भी चलेंगे और आज के इस मुकाबले के बारे में बात भी करेंगे और आपको हमारे तीनों एक्सपर्ट्स टिप भी देंगे कि ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आप अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम में रख सकते हैं और ड्रीम इलेवन में आप भी चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आज के मुकाबले की अगर बात करें, आज का मुकाबला जो है दो ऐसी टीम्स के बीच में है, एक जो है राजस्थान रॉयल्स, वो ऐसा है कि उसकी उम्मीदें तो अभी भी बनी हुई है कि अगर अच्छा खेल गई तो पता नहीं शायद प्लेऑफ तक पहुंच जाए। लेकिन जो केन विलियमसन की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ये तो वो जो नॉर्थ पोल में होता है कि छह महीने अंधेरा रहता है और छह महीने धूप रहती है, ऐसा ही कुछ होता है वहां पर, ये वो अंधेरे वाले फेज में है अभी। सनराइजर्स हैदराबाद में सनराइज हो नहीं रहा है और लग नहीं रहा कि आज भी हो पाएगा और राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को जीतेगी, भले ही पिछला मुकाबला ये हार कर पहुंचे हैं। संजय भाई को भी मैं देख सकता हूं। संजय भाई आपका भी स्वागत है। और आज के मुकाबले की बात करें अगर, संजय भाई किस तरीके का मुकाबला लगता है कि यहां पर कुछ करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइज होगा इनका? ये हमारा आपके साथ बहुत मजा आता है काम करने में, क्योंकि क्रिकेट कॉमेडी शो भी होता है, ज्यादा हम क्रिकेट सीरियस बात करते हैं लेकिन थोड़ा लाइट हार्टेड भी होना चाहिए और ह्यूमर के लिए हमेशा थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम देना चाहिए। तो आपने बिल्कुल कहा, ये ऐसी टीम है जो छह महीने धूप में रहती है। सनराइजर हैदराबाद का सनराइज होगा कि पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो टीम लग रही है, इतनी हारी हुई, इतनी दुखी टीम लग रही है, तो बहुत कठिन लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जो दिग्गज टीम नहीं है, शायद उनको भी अभी मौका है इनको हराने का। और डेविड वार्नर के ऊपर सब अभी मुझे लगता है निर्भर है, अगर उनका मूड इंप्रूव हो जाए, उनका बैटिंग फॉर्म इंप्रूव हो जाए तो थोड़ी बात बनेगी। बिल्कुल। और अगर सुषमा यहाँ पर देखे, दोनों टीम्स के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं और मामला बराबरी का है, दोनों ने एक दूसरे पर 7-7 बार जीत दर्ज की है, बिल्कुल 50-50। वैसे कहने को पेपर्स में बराबरी की टक्कर है, वैसे इतिहास ये बताता है। जी हाँ, एज अ प्लेयर मैं भी देखना चाहूंगी कि किस तरीके की अप्रोच से दोनों टीम्स आज उतरती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो जीतेगा और वो जीतने वाली टीम की अप्रोच कैसे रहने वाली है, एज अ प्लेयर मेरे लिए भी एक सीखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट से प्लेऑफ से बाहर हो चुके होते हो, ये हम यूट्यूब पे भी पहले बात कर चुके हैं, आपका मनोबल गिरा होता है, आप परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं है और आपकी टीम भी उतना अच्छा, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी किसी ने परफॉर्म भी नहीं किया है अगर हम बात करें तो देखना चाहेंगे कि किस तरीके का एटीट्यूड है और आप कौन सी टीम ऐसा खेले आज जो जीतने के लिए खेलना चाह रही हो। बिल्कुल। और यहाँ पर दोनों ही टीम हार कर पहुंच रही है। और मनीपा जी, जो एक सुषमा ने भी कही और आपके साथी खिलाड़ी संजय मांजरेकर, संजय भाई ने भी ये कही कि गेम जो है अब मेंटल हो गया है एसआरएच के लिए, राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या ये टीम, क्योंकि काबिलियत है इनमें अब जो समस्या, इनकी जो जंग है वो दिमाग से है, उससे जीतकर इन्हें ये मुकाबला जीतना कितना मुश्किल है? ये अब बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आप बॉटम ऑफ द टेबल में हैं, आप मैचेस जीत नहीं रहे, कॉन्फिडेंस लेवल तो टीम का निश्चित रूप से लो चला जाता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, एक एक नाम को अगर निकाल के देखें तो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन बट एज ए टीम, एज ए यूनिट ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है डेविड वार्नर, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर में, जिन्होंने बड़े मैचेस जिताए हैं सिंगल हैंडेडली इस टीम को, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। सो वहाँ पर अगर कुछ बदलाव करें तो शायद टीम की अप्रोच में और वो जो मेंटल अप्रोच जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हर तरह की क्रिकेट में, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल। और उम्मीद यही होगी कि जो सूर्य उदय है वो होगा सनराइजर हैदराबाद, हैदराबाद में जो है सन उगेगा, हैदराबाद का सन दुबई में उगेगा, तो ये ना ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी चैंपियन टीम है। लेकिन संजय भाई, टॉस जीत कर पहले राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी का फैसला किया है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जब आप चेस करते हो, और टेस्ट पिच में कुछ ऐसा आपने देखा है कि बाद में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो पिच तो हमने देखा नहीं है करीब से, तो पता चलेगा इसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल जी, मुझे लगता है एक कारण ये है कि पिछले मैच में जब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, चेस करते हुए चेस नहीं कर पाए, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं लग रहा था, तो शायद सोचा होगा कि पहले बैटिंग कर लें और वो जो दबाव चेस करते समय आता है वो दबाव उनके बैट्समैन पर ना हो और एक टारगेट दे दे सामने वाली टीम को, ताकि दबाव बना सके। बिल्कुल। चलिए फटाफट, यहाँ पर कुछ बदलाव आप देख रहे हैं सुषमा? अगर बात करें, हमने इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में विस्तार से बात की है, और अगर आपको क्रिकेट की बात करनी है तो रोजाना शाम 6 बजे हमसे जरूर मिले, वहां पर ये एक्सपर्ट पैनल वहां पर आपसे बातचीत करते हैं। जी हाँ, आपसे एक तरफा नहीं होता है। तो फिलहाल डेविड वार्नर की जगह जेसन रॉय को देख रहे हैं आप यहाँ पर सुषमा? जी हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आज जेसन रॉय के लिए जिस तरीके की फॉर्म
है वो है वो खिलाड़ी, और डेविड वार्नर थोड़ा सा अगर रेस्ट करके वो बाहर बैठ के थोड़ा आई थिंक बड़ा नाम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी परफॉर्मेंसेज दी है इस खिलाड़ी ने, लेकिन कभी कभी हर खिलाड़ी का ऐसा समय आता है और कई बार बाहर बैठ के या फिर आपकी टीम जब जीतना शुरू कर देती है तो आपको भी कहीं ना कहीं आपका मनोबल उठाने में उसका भी एक अहम योगदान रहता है। तो मैं आज चाहूंगी जैसन रॉय खेले। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है शायद डेविड वार्नर की खबर आ रही है कि डेविड वार्नर यहाँ पर ड्रॉप है। संजय भाई आपकी क्या राय है, अभी पता चलेगा कि वो फर्स्ट इलेवन में क्या जेसन रॉय है या कोई और विकल्प उन्होंने यहाँ पर देखा है, लेकिन डेविड वार्नर को फिलहाल आज इस मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, काफी बदलाव देखे हैं हमने, जैसे इसलिए हम कहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा सा YouTube चैनल पे आ जाए, तो ये सब हम एडवांस में बोल देते हमारे पैनल पे, क्योंकि जो बात हम कर रहे थे सुषमा जी, मन्नी जी और हम, वो सब वो है। अभिषेक शर्मा खेल रहे, सिद्धार्थ कौल आ गए हैं, वार्नर बाहर गए हैं, और इनकी तरफ से भी अगर आप देखें एविन लुइस फिर से टीम में आ गए, तो जो बदलाव हम चाह रहे थे वो सब बदलाव हो रहे। तो 100% सही आपने जो कहा, आप तीनों ने वही हुआ बोले, बिल्कुल एकदम वही बदलाव यहाँ पर संजय भाई आपने मणिपाल और यहाँ पर सुषमा ने जो कहा बिल्कुल वही बदलाव। ये इंडिया टीवी क्रिकेट अब से करीब 10 मिनट पहले इन सब बदलावों के बारे में बातचीत हो चुकी थी और कहा गया था, हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था ये बदलाव आज होने चाहिए और ऐसा ही कुछ हुआ है। मणिपाल जी ये बदलाव बढ़िया बदलाव यहाँ पर, बिल्कुल वेलकम चेंजेस है और मेरे ख्याल से ये चेंजेस होने भी चाहिए थे। जहाँ तक एविन लुइस का सवाल है, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि कोई खिलाड़ी अगर लय में है तो उसको मौका देना चाहिए, और पहला मैच खिलाया था 36 रन बनाए थे फिर ड्रॉप कर दिया, वो समझ के परे था कि क्या स्ट्रैटेजी थी वहाँ पर। और सनराइजर्स हैदराबाद का जहाँ तक सवाल है, ये चेंजेस दिख ही रहे थे क्योंकि अभिषेक शर्मा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और अगर आपको आगे की टीम देखनी है, अगले सीजन के लिए टीम देखनी है, तो ये मौके इन खिलाड़ियों को मिलने चाहिए थे जिनको आज मैच में दिए जा रहे। बिल्कुल, और इन दिग्गज एक्सपर्ट्स जो कि हमारे मणिपाल जी और संजय मांजरे का दिग्गज खिलाड़ियों के बीच युवा खिलाड़ी मौजूदा खिलाड़ी सुषमा वर्मा ने ये कहा था सबसे पहले कि अभिषेक शर्मा को लाए, और जिस तरीके से बात की थी आपने केदार जाधव और मनीष पांडे को बाहर की बात की, वो सारी बातें जो आपने की थी वो हुई। तारीफ करनी होगी सुषमा, जो अभिषेक शर्मा की आपने बात की वो बदलाव मुझे यहाँ पर दिखा, इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बदलाव और मनीष पांडे केदार जाधव को ड्रॉप भी कर दिया आज सनराइजर्स ने। आई थिंक ये बदलाव हमें भी बात करते जब हम YouTube चैनल पे तो शायद अंडरस्टूड था कि ऐसा होना है, बिकॉज आप कब तक हारना चाहोगे, अब टूर्नामेंट से प्लेऑफ से ऑलमोस्ट दोनों टीम्स बाहर है, और आई थिंक फ्रेंचाइजी के लिए भी थोड़ा सा ये मैं कहूँगी डिसीजन लेना पड़ता है इस तरीके का, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मौके नहीं मिले हैं, तो आप नेक्स्ट ऑक्शन के लिए भी उनको डिस्प्ले करना है कि आप किस तरीके के फॉर्म में हो या फिर आपको क्यों टीम ने कैरी किया था। तो अच्छा मौका मैं कहूँगी, ये हमेशा एक अच्छी जो मनिंदर सर एक डायलॉग यूज़ करते हैं अपना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो उन प्लेयर्स के लिए एक आज अच्छा मौका है, आप भी दिखाइए कि किस तरीके का कैलिबर आप में है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मिल सकता है एक साथ टीम में इतने चेंजेस हो, ये तभी होता है जब आप इतनी खराब फॉर्म में चल रही हो आपकी टीम। बिल्कुल, और इतने सारे बदलाव से उम्मीद ये है कि शायद नतीजा भी बदल जाए, और मणिपाल जी का एक और डायलॉग है संजय भाई कि इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।